हेलो दोस्तों, वेटिनर सब में आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं जो आपके नोटिफिकेशन घूम रहा है आपका एम्स, सभी एम्स जो कि इंडिया में जो एम्स है और उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी हॉस्पिटल उनमें नर्सिंग ऑफिसर की 80/20 फीमेल एंड मेल रेशियो रहने वाली, उसके बारे में एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो नोटिफिकेशन उसके अगेंस्ट में है जो कि ऑल इंडिया नर्सेस फोरम के जनरल सेक्रेटरी अरविंद जी चौधरी ने ये डाला है। मैं पंकज चौधरी, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम बात करते हैं इन्होंने क्या उसके अगेंस्ट में क्या लिखा है और किसको लिखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी पत्र अरविंद जी चौधरी जी ने लिखा है जो कि ऑल इंडिया नर्सेस फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखा है, लिखा किसको है ये भी बता देता हूँ। जो लिखा है जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, जो कि अपने हॉनरेबल मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको ये पत्र लिखा है। और किस रिगार्डिंग में लिखा है, रिगार्डिंग लिखा है कि जो ऑब्जेक्शन द डिसीजन एडिशनल आइटम CIB हेल्ड ऑन 27 जुलाई 2019। अब साफ साफ ये बात है कि जो CIB में 27 जुलाई 2019 उसके ऑब्जेक्शन में जो अपना 16वां पॉइंट था, जो आइटम नंबर 16 था, जिसमें था कि फीमेल एंड मेल का रेशो 80/20 कर दिया जाए, उन्होंने उस चीज़ पे जो डिस्कस की गई थी उस चीज़ के अगेंस्ट में उन्होंने डाला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन दैट ऑन द इश्यू विच दाज डिस्कस एज एन एडिशनल आइटम नंबर 16 इन दिस CIB मीटिंग हेल्ड ऑन 27/7/2019 अंडर योर चेयरमैनशिप इन निर्माण भवन एंड मिनट्स ऑफ द सेम मीटिंग वॉज पब्लिश 28/10/2019। ये उसके नंबर रहने वाले हैं, OM नंबर F52/2019, ये इनके मीटिंग के नंबर थे। तो इसमें जो भी उन्होंने एज पर मिनट्स मीटिंग दिस, इट सेम्स दैट अबाउट सेड इट डिस्कस एंड अप्रूव्ड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन एंड रिजर्व 80% पोस्ट ऑफ फीमेल कैंडिडेट एंड 20% मेल कैंडिडेट फॉर द फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग कैडर इन दिस मैटर, नाइदर एनी चेंज गिव टू एनी नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट जस्टिफिकेशन और नोर एनी रिप्रेजेंट प्रजेंट इन दिस CIB फ्रॉम नर्सिंग साइड। तो सीधी सी बात है कि ना तो उन्होंने किसी नर्सिंग फेडरेशन से पूछा है कि हम ये कर रहे हैं, ना किसी को प्रायर कोई नोटिफिकेशन दिया है, ऐसे ही वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उस चीज़ के अगेंस्ट में इन्होंने ये पत्र उनको लिया है कि पहले आपको नर्सिंग जो भी फेडरेशन चलती हैं जो कि उनके साथ में आपको मिल के ये डिसीजन लेना चाहिए या इस चीज़ पर डिस्कस करना चाहिए, इसको आप अप्रूव ऐसे नहीं कर सकते अप्रूव। और दूसरी चीज़ उन्होंने साफ साफ भी ये कही है कि हम इसके खिलाफ स्ट्रॉन्गली अपोज हैं, कि 80/20 के खिलाफ तो हम स्ट्रॉन्गली अपोज हैं, बाकी अगर आप कोई भी फैसला लेते हो तो हमें इंक्लूड कीजिएगा। यानी कि जो भी ऑल इंडिया नर्सेस फोरम है स्ट्रॉन्गली अपोज अकॉर्डिंग दिस डिसीजन बिहाफ ऑफ द नर्सिंग फेटर्निटी ऑफ ऑल एम्स एंड वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर इंटरवेन्यू इन दिस मैटर एंड होल्ड इज फर्दर इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने इस चीज़ को बोला कि हम इसके स्ट्रॉन्गली इस चीज़ के खिलाफ है और इस चीज़ को आप यहीं पर रोक दीजिएगा, यानी होल्ड द इम्प्लीमेंटेशन यानी इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले ही उसको, यानी कि एक्शन में आने से पहले उस चीज़ को यहाँ पर रोक दीजिए। ये मतलब हर जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ है ये चीज़, फीमेल्स को तो यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, पर यहाँ पर मेल के खिलाफ आप एक गलत कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी चीज़ों में यही है कि इससे ये इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, जेंडर की इक्वलिटी होनी चाहिए, आप फीमेल जेंडर को इतना नहीं दे सकते 80% और मेल जेंडर को, बाकी ये चीज़ें उन्होंने उनको बताई है और स्पेशली अटेंशन देने को कहा है इस लेटर पर। तो देखते हैं आगे इस पर क्या नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, बाद में बात करते हैं। आगे कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका अपडेट आपको ज़रूर दिया जाएगा। जो कि अरविंद चौधरी जी सेक्रेटरी ऑफ जनरल यहाँ के ऑल इंडिया नर्सेस फोरम के ये जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके द्वारा ये पत्र लिखा गया था, तो इनका रिप्लाई जैसे आता है, जैसे नोटिफिकेशन आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।